हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल सी टी टी एंड डी टी एस प्रिपरेशन में। शिक्षकों के नियोजन के लिए डीएम रोस्टर क्लियर करेंगे। यह बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित ही न्यूज है। राज्य के सरकारी विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई गुरुवार से शुरू हो गई। आरंभिक प्रक्रिया के तहत गुरुवार को शिक्षा विभाग मुख्यालय में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीईओ व सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डीपीओ स्थापना का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण हुआ, जिसमें उन्हें नियोजन की बारीकियों तथा अन्य तकनीकी तथा वैधानिक पहलुओं की जानकारी दी गई। उन्हें निर्देश दिया गया कि जल्द जिलाधिकारी से रोस्टर पंजी क्लियर करा ले। गौर हो कि इसी माह 5 जुलाई को शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक शिक्षकों का नियोजन शेड्यूल जारी किया था। 16 अगस्त तक रोस्टर का अनुमोदन कराकर शिक्षक नियोजन इकाइयों को भेज देना है। 26 अगस्त से 25 सितंबर तक आवेदन हो सकेगा व नियोजन पत्र 9 से 13 दिसंबर के बीच दिए जाएंगे। तो सारे डीईओ और डीपीओ को प्रशिक्षण दे दिया गया है कि कैसे किन किन बातों का ध्यान रखना है बहाली के समय। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।